तो दोस्तों एक सफ़र और, मैं आज मैं आपको एक ऐसे पुल को दिखाने ले जाऊंगा जिसको बने हुए 150 साल हो गए हैं, और वो पुल है पुरानी दिल्ली लोहे का पुल, जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1863 में, जो बनकर तैयार हुआ 1866 में। मात्र 3 साल के अंदर ये पुल बनके तैयार हो गया। 1867 ईस्वी में इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। यह एक ऐसा पुल है जिसके नीचे से नाव चलती हैं, बीच में गाड़ियां चलती हैं, ऊपर ट्रेन चलती है और ट्रेन से ऊपर प्लेन चलते हैं। दोस्तों यह दिल्ली शहर को सहारा के पड़ोस में जोड़ने वाला एकमात्र पुल था जो 150 साल पहले बनाया गया। ये देखिए लोहे का पुल, इधर से जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ आने का भी है। इस पुल की लंबाई है 930.25 मीटर। इसकी लागत उस समय बनाने में आई थी तकरीबन 14 करोड़ रुपए, और उस समय ये दिल्ली शहर को सहारा के पड़ोस में जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। ये देखिए ऊपर ट्रेन चलती है जिस तरीके से, ये देखिए ट्रेन, बीच में गाड़ियां चलती हैं, ऊपर ट्रेन चलती है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ, लोहे के पुल का पूरा व्यू। ये देखिए 230 मीटर लंबा ये लोहे का पुल, यमुना नदी के ऊपर स्थित है ये पुल। उस जमाने की कारीगरी का अद्भुत नमूना, लोहे का होने के बावजूद बारिश हर मौसम को झेलते हुए 150 साल से खड़ा ये पुल अपने आप में अनूठा है, जिस पे रोजाना हजारों गाड़ियां निकलती हैं और कितनी रेलगाड़ियां ऊपर से गुजरती है। 150 साल से लगातार उनका भार सहते हुए यह एक मजबूत पुल। अब मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने ये पुल 3 साल के अंदर बनके तैयार कर दिया था, और हमारे आज़ादी के बाद 1998 में एक लोहे के पुल की मंजूरी मिल गई थी, और 1998 में मंजूरी मिलने के बाद 2004 में काम शुरू हुआ, यानी कि मंजूरी के बाद शुरू होने में ही 6 साल का समय लग गया, और शुरू होने के बाद आज 2022 है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।